नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप अपने केस में किस तरह से जल्दी पैरवी करवा सकते हैं। दोस्तों, आप अपने केस में किस ढंग से जल्दी पैरवी करा सकते हैं, ये आपके ऊपर में बहुत अधिक निर्भर करता है। दोस्तों, सबसे पहले आप अगर केस फाइल करने जा रहे हैं तो अपने वकील के साथ में पूरी तरह से उस केस के बारे में डिस्कशन करें और उस केस के जो भी फैक्ट्स हैं आप वकील से ज़रूर बताएं। अगर आपने कोई भी फैक्ट्स वकील से छुपाए हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए सबसे पहले केस फाइल करने से पहले वकील को अपने सारे फैक्ट जो हैं वो बताएं। दोस्तों, केस फाइल करने के बाद में आप अपने वकील को अननेसेसरी यानी बिना वजह की एप्लीकेशंस लगाने के लिए बाध्य ना करें। जैसे कि मान लीजिए स्टे की एप्लीकेशन लगवा दी, या फिर आपने कमिश्नर को अपॉइंट करने की एप्लीकेशन लगवाई, या फिर अन्य कोई भी ऐसी एप्लीकेशन लगवा दी जिसका केस पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो सबसे पहला तो ये है कि आप अननेसेसरी की किसी भी तरह की एप्लीकेशंस कोर्ट में ना लगाएं जिससे कि केस में डिले हो। क्योंकि मान लीजिए, अगर आपने उदाहरण के रूप में बताता हूँ, एक एप्लीकेशन अगर लगा दी तो अगर एक एप्लीकेशन लगा दी आपका केस कम से कम 2 से 3 तारीख के लिए आगे चला गया। क्यों? अगर आप एक तारीख पे अगर एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसके बाद में उस एप्लीकेशन के जवाब के लिए डिफेंस काउंसिल फिर 1 या 2 तारीख ले सकते हैं, फिर उसके बाद में उस एप्लीकेशन के ऊपर आर्गुमेंट के लिए 1 तारीख होगी, और एप्लीकेशन के आर्गुमेंट के बाद में हो सकता है ऑर्डर के लिए फिर 1 तारीख लग जाए। तो इस तरह से एक एप्लीकेशन आपको 4 तारीख के लिए केस को आगे भेज सकता है। उसके बाद में दोस्तों, आपको अपने केस में एविडेंस यानी गवाही के लिए वही गवाह बुलाने चाहिए जो अति आवश्यक है, यानी कि उस केस से रेलेवेंट हैं और उस केस के लिए ज़रूरी हैं। आप बेवजह के गवाह ना बुलाएं, क्योंकि बेवजह के गवाह बुलाने के कारण क्या होता है कि आपकी जो प्रोसीडिंग्स है वो डिले होती है। 1 दिन गवाही होगी, उसके बाद में फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, तो इस तरह से जो है उसमें डिले हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी तरह की अगर आपको ऐसा लगता है कि मेडिएशन की संभावना है तो उसको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। मेडिएशन की संभावना को एक्सप्लोर करने से आपका केस जो है काफ़ी जल्दी ख़त्म हो सकता है, यानी कि मेडिएशन में ही अगर सेटलमेंट हो जाता है तो फिर आपका केस जो है आगे प्रोसीड नहीं करता और मेडिएशन का जो ऑर्डर है वो फाइनल माना जाता है। तो इस तरह से केस डालने के बाद में अगर ऐसी कोई स्टेज आती है जहाँ पे मेडिएशन की संभावना है तो दोस्तों उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे आपका उसमें 70 से 80% मामला सुलट रहा हो, लेकिन आपको वहाँ पर अपना मामला सुलटा के अपना किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि केस अगर प्रोसीडिंग्स के अनुसार अगर चलेगा तो काफ़ी लंबा चल सकता है। इसी तरह से दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई एविडेंस है और एविडेंस के बारे में आप जो है पूरी तरह से तैयार नहीं हैं और आपने अपनी एविडेंस को टाइम पे फाइल नहीं किया, तो दोस्तों वो भी एक डिले का कारण होता है। इसलिए आप अपनी जो एविडेंस है, अपनी जो गवाही है, वो वकील साहब से मिलके समय पे तैयार करवाएं और समय पे फाइल करें। उसके लिए आप अपनी तरफ से बिल्कुल भी तारीख ना लें, और जिस दिन भी आपकी गवाही की तारीख है उस दिन आप कोर्ट में ज़रूर हाजिर हों। इसी तरह से जब जब आपके कोर्ट में केस लगता है उस तारीख पे आपको ज़रूर हाजिर होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई हो उससे आप रूबरू हो सकें, आपको उस केस के बारे में पता हो। तो इस तरह से आपके पास में अपने केस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे तकनीक हैं जिसके कारण आप अपने केस को फास्ट यानी कि तेज़ी से चला सकते हैं। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके केस में डिफेंस काउंसिल अपनी तरफ से अगर कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, तो उस कंडीशन में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि उस एप्लीकेशन को आपको रिप्लाई राइटिंग में देना ज़रूरी नहीं है, तो आप अपने काउंसिल से इस बारे में डिस्कस करके आप उसका जो है इमीडिएटली उसी समय जो है ओरल आर्गुमेंट करवा के भी उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करा सकते हैं। तो मैंने दोस्तों आपको इस तरह से कुछ ऐसी तकनीक बताने की कोशिश की है जिसके तहत आप अपने केस को फास्ट रूप से चलवा सकते हैं, यानी आप अपने केस में अच्छी ढंग से पैरवी करके उसको जल्दी ख़त्म कराने की तरफ में बढ़ा सकते हैं। ये था डिस्कशन आप अपने केस को किस तरह से फास्ट चलवा सकते हैं इसके बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।